नए साल में कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद अब देश के कई प्रदेशों में मंगलवार को इसकी पहली खेप पहुंचाई गई। इस दौरान जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसकी पहली खेप आई तो यहां लोगों का गजब का उत्साह देखने को मिला। इस दौरान जहां सीएमएचओ कार्यालय में वैक्सीन के पहुंचते ही ढोल ताशों से इसका स्वागत किया गया तो वहीं मौजूद लोगों के चेहरे पर वैक्सीन आने की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खेप जयपुर उदयपुर पहुंच चुकी है। पहली खेप में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी खेप में कोविशील्ड वैक्सीन राजस्थान पहुंची है। जयपुर उदयपुर पहुंची इस खेप में 5,63,500 डोज है। वहीं गुरुवार से इन्हें राज्य के सभी जिलों में पहुँचाने का काम शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन को जिला स्तर पर पहुँचाने का काम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किया जा रहा है। हाँ सर बताइए जी। प्रथम चरण में हमको आज वैक्सीन प्राप्त हुई है, 20,000 डोज वैक्सीन प्राप्त हुई है। आज सुबह 11 बजे के आसपास वहाँ पर फ्लाइट से ये जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। वहाँ से पूरे पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर, पूरी पुलिस कस्टडी के अंदर हमारे अधिकारी द्वारा उसको ग्रहण किया गया और मोबाइल वैक्सीन वैन के द्वारा उसको यहाँ तक लाया गया। पूरा ग्रीन कॉरिडोर था, लगभग 22 मिनट से 25 मिनट में वैक्सीन हमारे यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ विधिवत चूंकि आज बुधवार और देश में वैक्सीन का दूसरा दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले कोरोना लड़ाई लड़ते हुए 10 महीने हो गए, अब दूसरा हमारा ये दूसरा प्रयास है वैक्सीन द्वारा रोकथाम करने का।